जय माता दी। सभी को स्वागत है आप सभी को चैनल में। एक बार फिर से आशा करता हूँ माता रानी और महादेव की कृपा पर बन रही होगी। आज हम बात करेंगे गुरु और गुरु तत्वों के बारे में। सबसे पहले समझते हैं गुरु तत्व क्या है। तो वो तत्व जो आपको आपके इष्ट से जोड़ता है, आपके इष्ट को प्राप्त करवाता है, उस तत्व को हम गुरु तत्व बोलेंगे। और गुरु तत्व बेसिकली है क्या? तो गुरु तत्व बेसिकली भगवान शिव का जगत गुरु स्वरूप का तत्व है। हर एक प्राणी जो इस संसार में है उसका गुरु शिव ही है। तो देहधारी गुरु कौन हुए? तो समझिए, जो देहधारी गुरु आपको गुरु दीक्षा देते हैं, आपके आपको इष्ट से मिलाते हैं, वो आपके गुरु है। और उनके ऊपर गुरु तत्व है जो कि महादेव का जगत गुरु का तत्व उन्होंने अपने अंदर समाया है। ये कोई साधना उपासना से नहीं मिलता। जब व्यक्ति गुरु बनने के लेवल में हो जाता है, जब व्यक्ति एक गुरु के पोजीशन में पहुंच जाता है, तो महादेव उनका जो ज्ञान है, सबसे पहले गुरु बनता कैसे है? तो गुरु बनते हैं ज्ञान प्राप्त कर कर। और ज्ञान का मूल स्वरूप क्या है? तो महादेव। तो वो ज्ञान जब महादेव दूसरों को पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे प्राणियों को पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे मनुष्य को पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या करता है? वो ज्ञान स्वयं महादेव का जगत गुरु स्वरूप का एक तत्व उस व्यक्ति के अंदर में ले लेता है और वो व्यक्ति गुरु बनता है। अब यहाँ पर देखिए, गुरु वो है जो इष्ट से मिलाता है। यहाँ पर YouTube में या कई सारे ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कुछ छोटे मोटे सिद्धि करा देंगे और गुरु बने बैठे हैं। वो गुरु नहीं है, वो शिक्षक है। उन्होंने आपको सिखाया एक लिमिट तक, मतलब किसी शक्ति के बारे में सिखाया, जैसे कोई अप्सरा हो गया, योगिनी, यक्षिणी, इनका सिद्धि कराया और बस। गुरु का मूल काम होता है माया मोह से मुक्त कराकर इष्ट से जुड़ाओ। और गुरु हमेशा इष्ट से जुड़ाव पर ही केंद्रित रहता है। लेकिन शिक्षक आपको बस कोई छोटी सी रास्ता दिखा देगा, एक मार्गदर्शक के रूप में रास्ता दिखा देगा, ये चीज़ ऐसा करना है, ऐसे सिद्ध करना है। जैसे कि मान के चलिए दो व्यक्ति हैं, आप एक व्यक्ति के पास गए, पैसे दिए, बोले कि मुझे कोई अप्सरा वप्सरा सिद्ध करा दीजिए। तो उसने अप्सरा आपको सिद्ध करा दी। आप उस अप्सरा का सिद्धि लेकर कोई मतलब काम कर रहे हो, मतलब पैसे आ रहे हैं, मतलब कुछ भी काम कर रहे हो, तो वो है शिक्षक। उसने आपको माया से नहीं निकाला, बस माया में रहते हुए भी आपको एक ऐसी वस्तु दे दी जिससे आप माया में ही फंसे रहोगे। लेकिन एक व्यक्ति है जो आपको आपके इष्ट का नाम जाप कराता है, पूजा पाठ कराता है, सिद्धि के पीछे नहीं भागने देता। गुरु सिद्धि भी कराता है लेकिन वो सिद्धि के पीछे नहीं भागने देता, वो इष्ट के पीछे भगाता है आपको। और गुरु सिद्धि उतना ही कराएगा जितना कि आपको ज़रूरत है। और सिद्धि की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हम सांसारिक जो जीवन है वो आराम से चले और हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारे सांसारिक जो समस्याएं हैं वो बाधा ना बने। इसलिए गुरु थोड़े मोड़े सिद्धि भी करा देते हैं छोटे मोटे वस्तु की, लेकिन उनका मूल उद्देश्य रहता है इष्ट की प्राप्ति करवाना। लेकिन ये जो सिद्धि का एक व्यापार चल जाता है कि ये सिद्धि करा लो, ये सिद्धि करा लो और उसके बाद उससे पैसे कमाओ और मोह माया में फंसे ही रहो, इष्ट का कोई मतलब नहीं, अपने आराध्य का कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु वो है जो आपको आपके आराध्य तक पहुंचाता है। और शिक्षक वो है, किसी छोटी सी वस्तु के बारे में शिक्षा दे देगा आपको, वो मिल जाएगा, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो शिक्षक और गुरु में फ़र्क है। गुरु आपके साथ आजीवन रहेंगे, शिक्षक एक निश्चित समय तक। और बोला जाए तो गुरु तत्व तो आपने समझ लिया। और हाँ, हर एक व्यक्ति, हर एक गुरु के अंदर एक शिव तत्व होता है। चाहे वो शिव जी का पूजा उपासना ना किया हो, चाहे वो एक वैष्णव पंथ का गुरु हो जो कि अपने शिष्य को गुरु दक्षिणा में भी विष्णु मंत्र दे रहा हो, फिर भी उसके अंदर शिव तत्व ही होता है, जगत गुरु स्वरूप का शिव तत्व। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का हर एक ज्ञान शिव है। चाहे वो विष्णु से संबंधित ज्ञान हो,
देवी से संबंधित ज्ञान हो या स्वयं शिव से संबंधित ज्ञान हो, हर एक ज्ञान शिव स्वरूप है। आप पूजा उपासना प्राप्त मत करो, लेकिन आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो वो ज्ञान प्राप्त करना ही आप शिव को प्राप्त कर रहे हो। तो इसीलिए एक तत्व जागृत होता है व्यक्ति के अंदर, जिसे महादेव का जगत गुरु स्वरूप कहा जाता है। तो वो व्यक्ति एक गुरु तुल्य पद पर बैठता है। और हमेशा याद रखना, गुरु कभी भी आपको माया जाल में नहीं फंसाएगा। साधना में भी माया जाल है, आपका जो ये जीवात्माओं का साधना होता है। जीवात्मा कैसे, जैसे अप्सरा हो गई, कोई भूत प्रेत हो गया, चुड़ैल उड़ैल हो गई, ये सब अजीवात्मा है। लेकिन जो व्यक्ति आपके परमात्मा का साधना कराता है, आपको परमात्मा से जोड़ता है, जैसे कि 10 महाविद्याएँ हो गए, माता रानी की साधना हो गया, महादेव की साधना हो गया, ये सब साधनाएँ व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ता है और ये काम कराता है गुरु। और आपको गुरु ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब आप साधना करोगे, उपासना करोगे, अपने इष्ट के प्रति अपना कर्म दिखाओगे, तो गुरु आपके पास स्वयं आएंगे। आपको पैसे देकर किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं होती या गुरु ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य अपने गुरु को नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि गुरु चयन करता है कि मेरा शिष्य में पात्रता है या नहीं। शिष्य गुरु को चयन नहीं कर सकता। और रही बात महादेव को गुरु बनाए या ना बनाए, महादेव कैसे गुरु बन सकते, तो देखिए मूल गुरु तत्व तो महादेव ही है जगत गुरु स्वरूप में। अगर आपके पास गुरु नहीं है, कोई पूजा पाठ उपासना कर रहे हैं, तो महादेव के गुरु रूप में आप वरण कर सकते हैं और आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा। जरूरी नहीं कि महादेव आपके साक्षात प्रकट होकर आपको मार्गदर्शन करें। ऐसा बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे वो आपको जो ज्ञान चाहिए वो आप तक पहुंचा देंगे। और जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ते जाओगे महादेव को गुरु बनाकर, तब महादेव एक व्यक्ति को भेजेंगे आपके पास, जिनके अंदर स्वयं महादेव का तत्व होगा, जो आपके लिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपको एक व्यक्ति भेजेंगे जो आपके गुरु होंगे। तो पहले महादेव आपको तैयार करेंगे कि आप उस व्यक्ति के ज्ञान को धारण कर सको, फिर वो व्यक्ति आएगा जो आपका गुरु होगा। तो इस हिसाब से गुरु का आगमन होता है। और महादेव को गुरु नहीं बनाया जा सकता, वो तो भगवान है, वो कैसे हमें बताएंगे आकर। तो देखिए अगर महादेव गुरु नहीं बन सकते, तो एक सवाल का जवाब दीजिए, ये जो सप्त ऋषियों थे उन्हें गुरु दीक्षा किसने दी, गुरु शिष्य परंपरा का शुरुआत किसने किया? जवाब तो एक ही है, महादेव ने, तो वो गुरु कैसे नहीं बन सकते? आप ये क्यों चिंता कर रहे हैं कि वो आपको नहीं बता सकते? वो तो आपने जब उन्हें गुरु माना तो वो महादेव की प्रॉब्लम है ना, कि वो आप तक कैसे अपना ज्ञान पहुँचाएँ, वो आपका टेंशन का विषय तो नहीं है। वो महादेव का जिम्मेवारी है कि कैसे आप तक अपना ज्ञान पहुँचाएँ। तो इस तरह से होता है गुरु और गुरु। तो गुरु ढूंढने नहीं जाना पड़ता। सबसे पहले आप अध्यात्म में बढ़ना चाहते हो तो महादेव को गुरु बनाओ। अगर आपके पास गुरु है तो और उत्तम, नहीं है तो महादेव को गुरु बनाइए, अध्यात्म में आगे बढ़िए, आपके गुरु आपको स्वयं मिल जाएंगे। क्योंकि जो महादेव आपको अदृश्य रूप से मार्गदर्शन करेंगे, वही किसी व्यक्ति में अपना तत्व, मतलब वही किसी व्यक्ति को भेजेंगे जिनमें उनका तत्व होगा, जो कि आपके साथ बैठकर, आमने सामने बैठकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। बस फर्क इतना ही है कि जब आप शिव जी को गुरु मानेंगे तो आप उन्हें देख नहीं सकते, आप उनसे मतलब उन्हें आप समस्या बता सकते हैं, आप अपनी दुविधा बता सकते हैं, वो ज्ञान आपको महादेव आप तक पहुंचा देंगे। और जब आप तैयार हो जाएंगे तो वो एक व्यक्ति को भेजेंगे जो कि आपके गुरु होंगे और वो गुरु आपके मार्गदर्शन करेंगे। तो ये होता है गुरु तत्व और गुरु। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी कोई दुविधा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी।